देखो फर्स्ट का ही सेकंड क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, टू अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस थ्री अपॉन अंडर रूट वाई बराबर टू। सेकेंड क्वेश्चन है फोर अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस नाइन अपॉन अंडर रूट वाई बराबर माइनस वन। ये दो समीकरण दिए हैं, सबसे पहले इनको क्या करना है, हमें रैखिक समीकरण में बदलना है। तो रैखिक समीकरण में बदल दो पहली वाली को। तो देखो सबसे पहले हम अचर और चर को अलग अलग कर लेंगे, तो इसमें देखो क्या कॉमन मिल जाएगा हमको, दो। तो बचेगा क्या, ये अंडर रूट वन अपॉन एक्स अंडर रूट, ठीक है, और इधर प्लस थ्री, ये क्या बचा है इसमें वन अपॉन अंडर रूट वाई, ये कॉमन आ गया हमारा, ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिए बराबर दो। अब हमने क्या माना, वन अपॉन अंडर रूट एक्स बराबर पी, ठीक है, क्या मान लिया हमने p, और वन अपॉन अंडर रूट वाई बराबर क्यू, ये हमने मान लिया। अब इसमें रख दो तो ये हो जाएगा टू पी प्लस थ्री क्यू बराबर कितना, दो। समीकरण एक, ये हमारी क्या आ गई समीकरण एक। इसी प्रकार दूसरी वाली समीकरण को कर लो, तो क्या फोर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या अंडर रूट अपॉन एक्स, माइनस नाइन कॉमन आ जाएगा, बचेगा वन अपॉन अंडर रूट वाई बराबर का माइनस वन, ठीक है। अब देखो हमने वन अपॉन अंडर रूट एक्स को क्या माना था, पी, तो यहाँ कितना रख देंगे पी माइनस नाइन, वन अपॉन अंडर रूट वाई को हमने क्या माना क्यू, तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे क्यू बराबर माइनस का एक। समीकरण दो, ठीक, समीकरण एक और दो बन गए हमारे। अब इनको क्या करना है, जोड़ दो या घटा दो, तो देखो क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ कटेगा नहीं कटेगा, इसको दो से गुणा कर दे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो समीकरण एक को हम क्या करेंगे, दो से गुणा कर देते हैं, गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा फोर पी प्लस तीन दुना छः क्यों बराबर तीन दुना चार, ये समीकरण हमारा तीन। अब समीकरण तीन और दो को घटा दो, तीन व दो को घटाने पर फोर पी प्लस सिक्स क्यों बराबर फोर, ये ले लो फोर पी माइनस नाइन क्यों बराबर माइनस वन, माइनस ये प्लस ये माइनस, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी, ये कैंसिल, कितना आया प्लस प्लस, तो पंद्रह क्यों बराबर ये कितना आएगा, जुड़ जाएगा तो ये फाइव आ जाएगा, पाँच एकम पाँच पाँच पंद्रह, यानी कि क्यों बराबर कितना आएगा वन अपन क्यों बराबर, ये थ्री अपॉन में चला जाएगा तो वन अपॉन थ्री, ये क्यों का मान आ गया। अब इस क्यों का मान हम समीकरण एक में रख दें दो में रख दें, वन अपॉन थ्री इसी में रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण एक में रखने पे क्यों का मान समीकरण एक में रखने पर प्लस थ्री क्यों बराबर कितना है हमारा टू, तो टू पी प्लस वन ये थ्री क्योंकि जगह वन अपॉन थ्री बराबर दो, ये तीन से तीन कट गया, टू पी ये कितना बचा वन, तो ये वन माइनस का उधर हो जाएगा, ठीक है, तो टू पी बराबर कितना आ जाएगा ये वन, तो पी का मान कितना आ गया वन अपॉन टू, पी का मान वन अपॉन टू, क्यों का मान वन अपॉन थ्री, पी का मान वन अपॉन टू। अब देखो ये पी और क्यू हमारे हल नहीं आए, हमको हल किसका चाहिए एक्स और वाई का, ठीक है। तो क्या हमने अभी पीछे माना था वन अपॉन अंडर रूट एक्स बराबर पी, तो वन अपॉन अंडर रूट एक्स बराबर पी की जगह हम कितना रख देंगे वन अपॉन टू, कितना जाएगा वन अपॉन टू, देखो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स बराबर टू, इसकी गुणा इससे इसकी गुणा इससे, अंडर रूट एक्स बराबर कितना आएगा दो, हमको चाहिए एक्स का मान, ये कितना अंडर रूट एक्स है, तो हम क्या करेंगे अंडर रूट हराने के लिए हम लोग करते हैं वर्ग, क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक है। वर्ग करने पर तो अंडर रूट एक्स का वर्ग हो गया
जो भी काम करेंगे वो हम दोनों पक्षों में करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा 4, x का मान कितना आ गया 4, ठीक है। इसी प्रकार अंडर रूट y बराबर q, तो q का मान कितना आया है 1/3, कितना हो जाएगा अंडर रूट y बराबर हमारा आ जाएगा 3, अंडर रूट y आ गया। हमको चाहिए y का मान, तो इसलिए हम अंडर रूट हटाने के लिए वर्क कर देंगे, ठीक है। वर्क करने पर तो अंडर रूट y का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, अंडर रूट y का स्क्वायर क्या होगा y, और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। x का मान 4 और y का मान 9, ये हमारे हल हैं, ठीक है, नोट करो।